नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीम टोकन के बारे में, जिसका नाम है शिबनोबी यानी कि शिंजा टोकन। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइप है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो डिटेल में एक वीडियो बना दें। तो अगर हम बात करेंगे इस मीम टोकन की, शिबनोबी जो शिंजा टोकन है, ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पे इसको बनाया गया है। जो भी टोकन हमारा इथेरियम की ब्लॉकचेन में बनता है वो काफ़ी टाइम के लिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो की मार्केट में इंटर होने की तैयारी करता है। नहीं तो बाइनेंस में आप देखोगे वहाँ पे आपको हज़ारों लाखों आपको टोकन मिलेंगे बाइनेंस के स्मार्ट चेन में, तो वो इतने यानी कि मोस्टली जितने भी टोकन होते हैं मीम टोकन वहाँ पे बाइनेंस के स्मार्ट चेन में बनते हैं, वो ज़्यादातर टोकन जो हैं वो फ्रॉड करके चले जाते हैं, फिर उनका कुछ अता पता नहीं होता। तो ये शिंजा टोकन है, ये इथेरियम की ब्लॉकचेन में बना हुआ है, तो ये एक तरह का डीफाई टोकन है। ये क्या करने वाले हैं कि मल्टी चेन स्वैप लाने वाले हैं। अभी तो फिलहाल इथेरियम में है, ये आपको इन फ्यूचर आपको बाइनेंस में भी दिखेगा, पॉलीगन मैटिक की एक्सचेंज पे भी आपको मिलेगा। तो अगर इसकी हम प्राइस की बात करें तो काफ़ी डाउन में इसका प्राइस चल रहा है। 15 दिसंबर को ये लॉन्च हुआ था, तो ऑलमोस्ट इसने 24 एक दो दिन में लोगों का पैसा डबल करके अभी थोड़ा नीचे जा रहा है। 67% का इसमें पंप आपको देखने को मिलेगा इस टोकन के ऊपर। तो एक तरह का अगर इसकी वेबसाइट में हम जाते हैं तो ये कहता है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेडली शिबा, अपने आपको ये कहने की यहाँ पे कहते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेडली शिबा। तो यहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है इथेरियम का, और यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी हाउ इट वर्क्स की, तो 5% एलपी टैक्स गोज डायरेक्टली टू द लिक्विडिटी पूल और 3% रिफ्लेक्शन टैक्स गोज डायरेक्टली टू ईच एंड एवरी होल्डर प्रोपोर्शनली फ्रॉम ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। तो 5% ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन गोज टू फर्दर मार्केट प्रोजेक्ट। तो ऐसे ही कुछ ये काम करता है फिलहाल में। अभी की मार्केट अभी इसका इतना कुछ यूज़ नहीं है। तो अगर हम बात करें इसके रोड मैप की, फेज़ वन सोशल मीडिया जैसे भी होता है, गेटवे सोशल मीडिया मार्केटिंग ये सब कुछ, इनका फेज़ वन कंप्लीट हो गया है। फेज़ थ्री की अगर बात करें तो ये बात करते हैं लिस्टिंग कॉइन मार्केट कैप में, इसकी ऑलरेडी हो चुकी है, कॉइन गीको में भी आपको इसकी लिस्टिंग हो चुकी हुई है। अब एक्सचेंज में भी अपने आप को ये लिस्ट करना चाहते हैं। फिलहाल में अगर हम बात करें तो एक ही एक्सचेंज में ये अभी तक इसकी लिस्टिंग हुई है, हॉटबिट के ऊपर। उसके बाद प्रोबिट के ऊपर आपको दिखेगा जल्दी, बिटमार्ट की ये बात कर रहे हैं उसमें दिखेगा, गेट आईएमओ भी ये दिख सकता है, crypto.com में भी दिख सकता है। लास्ट में सबका टारगेट बाइनेंस होता है, तो इन्होंने भी बाइनेंस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो बाइनेंस में भी आपको ये दिख सकता है। उसके बाद फेज़ टू में इन्होंने कहा है कि फेज़ टू भी इनका यूनिस्वैप में ये लॉन्च हो चुका है, फेज़ टू भी ऑलमोस्ट कम्प्लीट है। फेज़ फोर में, जब ये फेज़ फोर इसका जो कंप्लीट होगा, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि लॉन्च कुसुरी ब्लॉकचेन ये अपने लॉन्च करेंगे, लॉन्च कटाना 2FA वॉलेट लॉन्च करेंगे, लॉन्च डोजो स्वैप जिसकी मैं बात कर रहा था वो जब लॉन्च करेंगे, उसके बाद आपको इसमें अच्छा खासा पंप आपको देखने को मिल सकता है। तो ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप जितने भी वीडियो बनाता हूँ, जितने भी मैं आपको टोकन्स बताता हूँ, ये फंडामेंटल टोकन नहीं है, एक तरह का मीम टोकन है। तो ऐसा नहीं है कि किसी यूट्यूबर ने आपको बोल दिया तो आपने वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर लिया। एक खुद की रिसर्च करें, उसके बाद ही इस ऐसे टोकन पे आप इन्वेस्ट कीजिएगा, ये मेरी आपसे सलाह है। और बात करें इसके CEO की, तो उसका नाम है क्लिफ, तो ये इनके डेवलपर हैं और CEO हैं। अगर हम बात करें डिज़ाइनर की, तो डिज़ाइनर इनके हैं एंड्री सेंटोस, इनके डिज़ाइनर हैं। अगर हम बात करें CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, LG इनके CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है। तो काफ़ी ज़्यादा हाइप इसकी बनी हुई है। यूनिस्वैप से आप इसको ले सकते हो, आप 1-2 रुपये का भी लेते हो, 50 रुपये का भी आप लेते हो, तो काफ़ी ज़्यादा आपको टोकन्स मिल जाएंगे। तो आप ट्राई कर सकते हो, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो मीम टोकन में तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आप क्रिप्टो में नए नए आए हो तो ऐसे मीम टोकन से अगर आप दूर ही रहते हो तो ज़्यादा बेटर है, इससे अच्छा फंडामेंटल टोकन्स पे आप इन्वेस्ट कीजिए। मैंने हाल ही में वेब थ्री में भी
काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई है। वेब थ्री के टोकन भी मैंने आपको बताए हुए हैं, उसमें मैंने दो वीडियोस बनाई हैं, आप देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।